आपको लगभग दूध बेचकर कितना फायदा है यहाँ पर, महीने का कितना दूध बेच सकते हो आप? सर लगभग आप मान लो 70-80 हज़ार रुपये का महीने का दूध बिकता है, जिसमें आधा खर्चे होता है। लगभग 70-80 हज़ार रुपये का दूध बिकता है, उसमें से आधा आप खर्च मान के चलो। हाँ आधा खर्च होता है। किसान भाई नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम आए हैं एक बहुत शानदार छोटे से डेयरी फार्म पर, जो कि जीरापुर तहसील है और गांव है हरिगढ़, जो कि माचलपुर के पास आता है। यहां पर ये घरेलू तौर पर पशुपालन कर रहे हैं, तो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो में आप लोग बने रहें। बिल्कुल बिना किसी टेक्नोलॉजी के यहाँ पर पशु इन्होंने रखे हुए हैं। अभी सारे पशु यहाँ पर गाभिन हैं, तो इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे पशुओं के बारे में भी और डेयरी फार्म के बारे में भी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो जी, नाम बताओ आप सबसे पहले अपना। नमस्कार भाई साहब जी। सुजान दांगी। हाँ, हरिगढ़ गांव से बोल रहा हूँ। हरिगढ़ से? हाँ सर जी। तो ये डेयरी फार्म कब से कर रहे हो आप? ये लगभग हमने 2017 में प्लानिंग बनाई थी एक भैंस लाने की। जी जी। फर्स्ट में सर हमें एक भैंस लेकर आया, वो बाकड़ी बोलते हैं जिसको। जी जी। वो हमने 2017 में लेकर आया, उस वो लाने के बाद में हमको फ़ायदा मिला जी। तो वो 18 में ब्याह गई, उसके बाद में हमको लगा कि भाई इस पशुधन में हमको फ़ायदा मिल रहा है। तो फिर हमने जानवर को आगे बढ़ाया। और वैसे वैसे लगभग हमको ये मान लो आपके 4-5 साल चालू होते हो गए। तो जब जी सबसे पहले जो आप भैंस लाए थे? हाँ सर। वो कहाँ से लाए थे? वो सर मैं भोपाल से लेकर आया था बाखड़ी। जी जी। हाँ। कितने रुपए की पड़ी होगी लगभग? वो सर 47 हज़ार की खरीदी थी 17 में, और बढ़िया उसका एक टाइम का दूध 9-10 लीटर निकाला उसने। भैंस है आपके पास अभी वो? हाँ सर भैंस है हमारे पास। कहाँ है आप हमें दिखाओ वो एक बार। आइए सर, ये जो सबसे बड़ी वाली भैंस है ये वही भैंस है सर, 2017 में हमने खरीदी थी इसको। 5 साल तो इनके डेयरी फार्म पे इस भैंस को हो गए हैं। हाँ सर, क्योंकि आप लोगों को वीडियो में देख रहे हैं। लगभग कितने ब्याद की हो गई होगी सर? ये 3 बेत की मैं खरीद के लाया था, 4 बेत मेरे घर पर ब्याह चुकी है अभी। 7वां ब्याद है? हाँ, ये 7वां बेत ब्याने वाली है 2 महीने बाद। ये देखो बिल्कुल आपको सही इन्फॉर्मेशन वीडियो में जानने को मिलेगी। तो 7वां ब्याद इस भैंस का हो चुका है सर। ये भैंस है? हाँ। ये हमने धुंधड़काट से खरीदी थी 1,01,000 रुपये की 2020 में। धुंधड़काट से? हाँ धुंधड़काट से, जो कि लगभग 2-3 साल हो गए इसको। हाँ 3 साल है सर। इसका दूध एक टाइम का 10 लीटर जी। हाँ ये बिकाऊ भी है सर अगर किसी को जरूरत हो। अभी आप इन भैंसों को बेचना भी चाहते हैं? हाँ सर जी जी। तो ये आपने धुंधड़का से खरीदी थी? हाँ, ये 3रा ब्याद ब्याने वाली है अपने घर पे, फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में अपने खरीदी थी इसको। दो ब्याद आपके पास हो गए? हाँ, किसी किसान भाई को जरूरत हो अच्छी भैंस है टाइम का 10 लीटर दूध लगाती है। आपको वीडियो में इनके नंबर भी मिलेंगे, तो अगर आप लोगों को भैंस खरीदनी है तो आप भैंस खरीद भी सकते हैं। उस भैंस के पास ये भैंस खड़ी, इसलिए इसकी हाइट आपको ज़्यादा ना लगेगी, क्योंकि उस भैंस की जो हाइट है वो लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोगों को अलग से भी मैं दिखा दूंगा। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा है श्रीमान जी। जी, तो आगे चलिए आप इस भैंस के बारे में और हमें बताएं, फिर डेयरी के बारे में आप बताना। सर ये भैंस भी बढ़िया है, इसको मैंने धुंधड़का से ही खरीदी थी। और यह भी अभी 1-2 महीने बाद ब्याने वाली है। इसका दूध 7 लीटर प्रतिदिन का है टाइम का। 7 लीटर एक टाइम? हाँ एक टाइम का 7 लीटर दूध। जी जी। कितने की पड़ी होगी आपको लगभग भैंस? ये 90 की खरीदी सर हमने धुंधड़का से। 90 हज़ार रुपये इसको 20 में खरीदी 2020 में। 2020 में? हाँ। वो जो पिछली साइड बंदी वो भी 20 में ही खरीदी थी। वो कितने की पड़ी होगी? वो 1,01,000 रुपये की खरीदी थी अपन। 1,01,000 रुपये खरीदी थी। अभी कुल कितने पशु होंगे आपके पास टोटल? सर टोटल तो 22-23 जानवर है। बड़े जानवर 20 जानवर है इसमें। हाँ जी, बड़े जानवर आपके पास 20 है। हाँ, तो सब पशु आपने खरीदे या फिर तैयार भी किया? तैयार किए हुए भी, तैयार छोटे बच्चे तैयार किए। ये पाड़ी है जो 2 दांत ब्याने वाली है, ये अपने घर पे तैयार करी हुई। जी जी। हाँ ये देखो कितना इसकी माँ को हमने सर 1,07,000 रुपये में बेच दिए अभी। 2 दांत पाड़ी है ये फिलहाल, अभी ब्याई नहीं है। हाँ, अब 8-10 दिन लेगी ये कम से कम। अब इसकी अडर क्वालिटी आप लोग देखो कितना शानदार, इसका जो थन है वो उनकी बनावट है। ये देखो, ये आप लोगों को आगे से भी दिखाऊंगा एक बार में। ये देखो अभी कितने दिन और बचे होंगे लगभग? सर 10 दिन लेगी कम से कम, ये 10 दिन लेगी। तो इसको भी सेल करना चाहोगे? हाँ इसको भी सेल करना है। लगभग अगर कोई लेना चाहे आपसे तो कितने में दे दोगे उनको? लगभग 80,000 रुपये मांग है सर इसकी। 80,000 रुपये इसकी मांग है? हाँ। तो ये देखो दोस्तों काफ़ी शानदार सींग की बनावट देखें आप लोग। 2 दांत पाड़ी है, पीछे से देखें सिर्फ 2 दांत पाड़ी हैं। देखो इसकी माँ को 1,07,000 में सेल किया अभी 1 महीने पहले। 1 महीने पहले 1,07,000 रुपये में सेल किया है। ठीक है, तो आप आगे आ जाइए। तो अभी जो दूध पशु दे रहे हैं आपके पास, कितने पशु दूध दे रहे होंगे? सर फिलहाल में 2-3 जानवर दूध दे रहे हैं जी, और वो भी क्या है याबन डाइपरेट में चल रहे हैं। हाँ हाँ, पर अब ब्याने वाले हैं 8 जानवर अभी
एक आध महीने में सारे ब्यांजा भी आ जाएंगे, 8 पशु भी आएंगे। हाँ सर, क्योंकि इनका ऐसा होता है कि एक ही समय पर सारे पशु इनके प्रेग्नेंट हो चुके हैं जो कि अभी भी आएंगे, तो ये इनमें से कुछ सेल भी करना चाहते हैं, तो इनके नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो उनमें से आप इनको कॉन्टेक्ट करके आप इनसे खरीद भी सकते हैं। तो जब आपके पशु सब ब्याते हैं तो कितना दूध हो जाता होगा प्रतिदिन का? प्रतिदिन 1 क्विंटल से ज़्यादा, लगभग 1.5 क्विंटल के समथिंग मान के चलो, 1.5 क्विंटल दूध आपका हो जाता होगा। हाँ सर, किस रेट में जाता है दूध? सर रेट यहाँ पे कम मिलती है, 40-50 रुपये प्रति लीटर बिकता है हमारा दूध, तो कम फायदा होता होगा। हाँ, दूध में थोड़ा कम फायदा ही होता है। लेकिन क्या है कि जानवर में बढ़िया फायदा है, और अपन क्या है कि जो दाना देते हैं वो बिनोलान देखे पशुआर देते हैं सर हम जी, मिल को पशुवार देते हैं, तो उससे हमको फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि वो सस्ते रेट में मिल जाता है हमको, सस्ते रेट में मिल जाता है। हाँ। तो आप लोगों को एक छोटी सी एक अच्छी बात जानने को मिलेगी कि इनके यहाँ पर आप पशुओं की अगर हेल्थ हाइट देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी कमजोर पशु देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ वो भैंस जो है वो ज्यादा ब्यांती हो चुकी है, इस वजह से आपको देखने को मिल सकती है। सर वो दूध की कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ी कमजोर हो रही है जी, उसकी वो क्या है कि अभी 7 महीने तक उसने 4-4 लीटर दूध लगाया है जी जी, उसकी दूध की कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए वो क्या है कि थोड़ी हल्की हो रही है, वही उसकी हाइट और लेंथ काफी ज्यादा है इस वजह से। और इन भैंसों को, सारी भैंसों को आप देखें, एक भी भैंस यहाँ पर आप लोगों को कमजोर देखने को नहीं मिलेगी, जो कि ये देखें। तो आप हमें बताएं कि खिलाते क्या हो आप इन्हें? सर हम इनको पशु आहार और गेहूँ का दलिया, पशु आहार और गेहूँ का दलिया। हाँ। आपने इससे पहले बिनोले की खल खिलाई है? मतलब वो 18 में खिलाई थी सर, उसके बाद में हमने नहीं खिलाई बिनोला। क्यों नहीं खिलाई आपने? वो महंगी पड़ती है ना। महंगी पड़ती है बस। रिजल्ट क्या था दोनों का? एक साथ रिजल्ट दोनों का, दोनों का एक ही रिजल्ट निकलता है। अभी क्या खिलाते हो आप, दिखाएंगे आप थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल सर, हम ये पशु आहार, ये जो हमारे हाथ में है जी, ये 20 रुपए किलो का दाना है सर, 20 रुपए किलो का। हाँ। ये दाना है, क्योंकि आप कोई सा भी पशु आहार जो अच्छी क्वालिटी का सर, हम तो मिल्को पशु आहार के नाम से खिलाते हैं, मिल्को बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका, फैट और सारा जानवर मस्त रहता है इससे जी जी। और इसके साथ और कुछ नहीं सर, कुछ भी गेहूं का दलिया। अच्छा अच्छा, तो पशुओं को जब सुबह से आपकी जो दिनचर्या चालू होती है वो उसमें क्या होता है, लगभग सुबह से क्या खिलाया जाता है या फिर पहले क्या? सर सबसे पहले 5 बजे यहाँ से सारे कर्मचारी उठते हैं, उसके बाद में उठने के बाद में इनको जो ठेल बोलते हैं उसको, उसको साफ सफाई करके सुखला डालते हैं, उसके बाद में उसको दाना वाना डाल के और मिला देते हैं उसको जी, उसके बाद में दूध दूध निकालना चालू कर देते हैं, दोनों काम चालू साथ में चालू हो जाते हैं। तो आपने जो भैंस रखी हुई है आपके यहाँ पे, तो आपने एक गाय, आपके पास में HF ये देख पा रहा हूँ। हाँ सर, तो आपने गाय ना रख के भैंस को क्यों चुना? सर मैंने पहले गाय लेकर आया था मैं, मतलब क्या है कि 17 में एक भैंस लेकर आया, उसके बाद में 18 में गाय लेकर आया था, 10 गाय जयपुर से, 10 पर गाय। हाँ गाय क्या है कि थोड़ा सक्सेसफुल कम रही, 2 गाय उसमें से मर गई थी, और बीच में लॉकडाउन के कारण दूध कम भाव में बिका, अपने यहाँ दूध की थोड़ी ज़्यादा उत्पत्ति है, उसके हिसाब से दूध कम रेट में बिकता है, तो गाय को हमने बेच दी और भैंस उसे लाने का प्लान बनाया फिर हम जी जी। तो दोस्तों दूध का आप लोगों को मैं एक सीधी से एक बात बताना चाहूँगा, जो कि अभी हमने थोड़े दिन पहले एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि यहाँ पर हमारे भारत में महीने की देख लो या फिर खास समय से ध्यान नहीं रहा, बट 19,000 करोड़ लीटर की यहाँ पर उत्पत्ति होती है, और खपत अगर हम देखी जाए तो 64,000 करोड़ लीटर यहाँ पर दूध की खपत होती है, तो एक तरीके से 1/3 हिस्सा यहाँ पर उत्पादन होता है और 3 गुना ज़्यादा खपत हो रहा है दूध। तो नकली दूध हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा बनाया जा रहा है, इस वजह से हमारे दूध की सही कीमत आप लोगों को नहीं मिल पाती है। बिल्कुल सर। तो दूध की कीमत कम से कम, अगर भैंस के दूध की कीमत 60-70 रुपये अगर मिले तो आप लोगों को पशुपालन में ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल इसे डाउन तरीके से आप लोगों को पशुपालन करना पड़ेगा। तो जब आपने बताया कि 40 रुपये लीटर में आपका दूध जाता है, हाँ सर, तो फायदा होता है इसमें कि नुकसान होता है? फायदा नहीं होता है, बराबर चलता है, बराबर चल जाता है। फायदा क्या, सब 60 रुपये से ऊपर दूध बिकेगा जब फायदा होगा, ये। वो तो क्या है अपन दाना उसको 20 रुपये की लगा दे रहे हैं उसी हिसाब से फायदा हो रहा है, अगर बिनोले की खल दे तो फायदा 1% भी नहीं होगा, क्योंकि बिनोले की खल की कीमत लगभग 45-50 रुपये। हाँ 45-50 रुपये लीटर सर जी जी। तो फायदा कैसे होता है आपको मेनली अगर देखा जाए तो डेयरी फार्म में? डेयरी फार्म में अगर दूध 60 रुपये लीटर से ऊपर बिकेगा तो फायदा होगा, और उसके बावजूद अगर अच्छे जानवर रखेंगे, अच्छी नस्लें के दुधारू जानवर, वैसे कि जानवर तो क्या है 2-3-5 लीटर तक देते हैं अपने यहाँ, तो देसी जानवर रखते हैं सब लोग, और जैसे अगर अच्छा नस्ल का जानवर रखेंगे, अच्छे दूध देंगे, तो उससे तो फायदा तो होगा ना सर अपन जी जी। तो आप नस्ल तैयार करके, यानी कि अगर आप एक भैंस लेके आए हैं और उससे अगर आप बछड़ियाँ जो पाड़ियाँ जिनको हम बोलते हैं वो अगर तैयार करके सेल करें तो उससे भी आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा, बढ़िया फायदा सर उसमें भी जी जी। ये देखो आप बिल्कुल यहाँ पर ग्रामीण तौर पर डेयरी फार्मिंग है, लेकिन यहाँ पर मेड बच्चे हैं ना छोटी अपने, देखो जी जी, ये देखो इन्होंने छोटी छोटी यहाँ पर जो कटड़ियाँ हैं 10-12 महीने के अंदाज की है सर, ये देखो
तो यहाँ पर पशुओं के लिए इन्होंने मेट भी लगाए हुए हैं नीचे। तो आप ये बताएं कि आपने बिल्कुल कोई टेक्नोलॉजी आपके डेयरी फार्म में नहीं है, नहीं। फिर आपने मेट क्यों लगाए हैं यहाँ पे? सर वो क्यों, एक तो जानवर को बैठने उठने में दिक्कत नहीं आती है, दूसरी बात क्या है कि ये पैर वेर फिसल जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम भी आती है तो कभी पैर टूट जाए, इसलिए तो फायदा लगा आपको? हाँ, फायदा लगा नहीं मेट बिछाने से। जी जी, जानवर को आराम मिलता है इन पे तो। तो और कौन सी भैंस हैं जो आप सेल के लिए ये है ना सर अपने पास में खड़ी? हाँ ये भैंस भी बिकाऊ, ये भी अभी 1.5 महीना और लेगी सर ब्याने में, 1.5 महीना और ब्याने में, दीपावली के आसपास भी आएगी। दीपावली के आसपास भी आएगी। इसकी क्या कीमत होगी लगभग? सर इसकी 1.10 मांग है अपनी। अच्छा, दूध है इसका 7 लीटर टाइम का। ये अभी अडर बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि काफ़ी दिन अभी बचे हुए हैं भैंस के, लेकिन भैंस की जो हेल्थ हाइट आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए, आप हमारा जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि आप अगर आपकी भैंस सारी ब्याह जाएगी, हाँ सर, है ना, तो आपको लगभग दूध बेचकर कितना फ़ायदा है? यहाँ पर महीने का कितना दूध बेच सकते हो आप? सर लगभग आप मान लो 70-80 हज़ार रुपये का महीने का दूध बिकता है, जिसमें आधा खर्चा होता है। लगभग 70-80 हज़ार रुपये का दूध बिकता है, उसमें से आधा आप खर्च मान के चलो। हाँ आधा खर्च होता है। तो लगभग 30-35 हज़ार रुपये आप कमा लेते हैं आराम से एक महीने का, एक महीने के। और पशु बेचकर अगर आप फायदा कमा सकते हैं अच्छे से तो वो आपका अलग बेनिफिट होगा। वो तो बेनिफिट अलग है। अच्छा अच्छा, दूध में एक महीने का 35-40 हज़ार रुपये आराम से बचत हो जाएगी। दूध में 35-40, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहती। हमेशा के लिए वही तो दिक्कत आ रही है। लगभग ये मान के चलिए आपकी जो पीक यील्ड पशुओं का होता है वो कितने महीने तक अच्छे से दूध देती होगी भैंस? 6 महीने। 6 महीने, 6 महीने बाद कोई डाउन चली जाती है, कोई प्रेगनेंट हो जाती है, तो इस वजह से 6 महीने तक तो बढ़िया चलता है। जी जी। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर और बताना। ठीक है सर, 88-78 55-53-55-53-64-64। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीन में भी आपको हमेशा दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर, तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को और मैं दिखा दूँ, यहाँ पर इनके पास में ही इन्होंने पानी की सुविधा यहाँ पर की गई है, तो ये देखो आप। और एक देसी गाय भी हम इनके खूंटे पे देख पा रहे हैं, तो इसको रखने का कोई कारण है या फिर आपके घर की है ये? हाँ सर, ये घर की गाय है अपनी। अच्छा, ये हमारी शुरू से चली आ रही है कि अपने घर पर एक देसी गाय भी रहनी चाहिए। जी जी, तो ये देखो काफ़ी पारंपरिक, 4 लीटर दूध देती है एक टाइम का। एक टाइम का? हाँ, अभी ये भी ड्राई ब्रेड में है, तो काफ़ी पारंपरिक तौर पर। 6 महीने पुरानी गाय है सर, ये 51 हो चुकी है 6 महीने। ये देखो, अगर तो इसके बारे में आप बताएं। ये सर, ये पाड़ी अभी 2 दांत पाड़ी है अभी। जी, 3 साल की हो चुकी है लगभग। 3 साल की हो चुकी है, और ये भी 2 महीने बाद ब्याने वाली है, अपने घर की उत्पत्ति की है पाड़ी। जी जी, इसको भी सेल कर देंगे? हाँ, इसको भी सेल करने का प्लानिंग है। जी जी, तो ये देखिए इसकी क्या कीमत रखोगे आप लगभग? सर इसकी 70 हज़ार रखेंगे कीमत। 70 हज़ार रुपये, ठीक है। तो इसकी माँ आपके घर की थी? हाँ, इसकी माँ भी अपने वो खड़ी है ना 4th नंबर पर। अच्छा, ये? हाँ, इस भैंस की। कितना दूध होगा लगभग? 7 लीटर टाइम का सर इसका। 7 लीटर टाइम का है ये, देखो। ठीक है, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।